डिफाइन भी कर रहे हैं और टिश्यू के बारे में और भी चीज़ें बता रहे हैं। तो ये जो टर्म हम लोग दो टर्म लिखे, साइंटिस्ट का नाम था नागेली। तो नागेली, दिस वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जो टिश्यू को दो तरह से समझा रहे थे। उनका कहना था टिश्यू दो तरह का होगा, एक को वो नाम दिए मेरिस्टमेटिक टिश्यू और दूसरे को वो नाम दिए परमानेंट टिश्यू। क्या क्या नाम दिए बच्चों, रिपीट करो। पहले टिश्यू का नाम वो बताया मेरिस्टमेटिक टिश्यू और दूसरे का नाम क्या बताया, परमानेंट टिश्यू। ये जो टर्म आया मेरिस्टमेटिक, जो ही ये टर्म तुम देखो तो तुम्हारे लिए पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा, ये वैसा टिश्यू है जो डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, ये टिश्यू डिवाइड कर रहा है, या अगर डिवाइड नहीं भी कर रहा है तो इट रिटेन पावर ऑफ डिवीजन। इसके पास क्या है, पावर ऑफ डिवीजन है, इट रिटेन पावर ऑफ डिवीजन। दो बात बताए, क्या बताए, पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, आइदर इट कंटेन डिवाइडिंग द सेल इज आइदर डिवाइडिंग। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सेल या तो डिवाइड कर रहा है या इस सेल में पावर ऑफ डिवीजन है। हो सकता है जिस समय हम देख रहे हैं ना कर रहा हो, लेकिन वो इसके पास कैपेसिटी है, ये कभी भी डिवाइड कर सकता है। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू की पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज ए टिश्यू विच रिटेन पावर ऑफ डिवीजन और इट इज ए डिवाइडिंग सेल, या तो ये डिवाइड कर रहा है या इसमें पावर ऑफ डिवीजन है। फिर हम लोग कहते हैं मेरिस्टिक टिश्यू जिस समय दिखाई दे रहा होगा ये अनडिफरेंशिएटेड होगा। कैसा होगा, अनडिफरेंशिएटेड होगा। हम लोग अभी इसका मतलब समझेंगे, इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, ये अभी अनडिफरेंशिएटेड है। फिर हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे, मेरिस्टमेटिक टिश्यू इमेच्योर्ड है, इट इज इमेच्योर्ड। तो पहले हम कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस अभी करते हैं कि करके हम लोग समझाते हैं, है ना। तो पहले पॉइंट हम लोग डिस्कस करने के लिए पूरे पॉइंट्स को हम लोग लिखते हैं और फिर इसको समझाने शुरू करते हैं। फिर हम लोग कह रहे हैं कि इसमें प्राइमरी सेल वॉल होगा, इट विल कंटेन प्राइमरी सेल वॉल। वॉल कैसा होगा, अभी हम लोग पहले लिख रहे हैं फिर इसको समझाएंगे पूरी तरह से। थिन होगा और फ्लेक्सिबल होगा वॉल, सेलुलोज केमिकल कंपाउंड का बना होगा, नॉर्मली सेल स्मॉल इन साइज होगा, ये आइसो डायमेट्रिकल होगा, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा, लार्ज न्यूक्लियस पाया जाएगा, वैक्यूल एब्सेंट और पुअरली प्रेजेंट होगा, हाईली एक्टिव होगा। तो अभी तक हम लोग जितना पॉइंट डिस्कस किए, पहले इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, और क्या कहे हम लोग कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू आर द टिश्यू विच रिटेन पावर ऑफ डिवीजन, और ये पावर ऑफ डिवीजन को रिटेन करता है और किस स्टेट में मिल रहा है वो, ये डिवाइड कर रहा है, ये सेल डिवाइड कर रहा है। इसीलिए अभी जब हम इसको देख रहे हैं तो ये बार बार डिवाइड करता जाएगा और एक टाइम आएगा जब ये डिवीजन करना रुक जाएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं समझने के लिए एक छोटे बच्चे से। ये दिखा रहे हैं, छोटा सा बच्चा है, इसको मान लेते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू, और एक इसके बगल में बना रहे हैं इसके दादाजी हैं, और देखो दादाजी को चश्मा भी पहना देते हैं हम लोग, है ना। ये दादाजी हैं, इनको हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू, और इस बच्चे को क्या कह रहे हैं हम लोग, इस बच्चे को कह रहे हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू।
अब हम लोग ये दो डायग्राम से, दादाजी की एक्टिविटी से और बच्चे की एक्टिविटी से, हम लोग पूरे टॉपिक को समझ लेंगे और कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला टॉपिक, हम लोग पहला वर्ड क्या यूज किए, मेरिस्टमेटिक टिश्यू। कैसा टिश्यू है जो डिवाइड कर रहा है? मेरिस्टमेटिक टिश्यू कैसा टिश्यू है? इसमें पावर ऑफ डिविजन है, ये अभी इमेच्योर्ड है। और हम लोग किससे कंपेयर किए इसको, इसको कंपेयर किए इस छोटे से बच्चे से। छोटा सा बच्चा इमेच्योर्ड है, छोटा बच्चा अभी छोटा सा है, अगले 5 सालों में ये थोड़ा और बड़ा होगा, फिर 5-10 सालों में ये और बड़ा होगा, धीरे धीरे ये मेच्योर्ड करेगा। तो छोटे बच्चे को किससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं? मेरिस्टमेटिक टिश्यू से। और इसके दादाजी को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किससे? एक परमानेंट टिश्यू से। तो हम लोग जब परमानेंट टिश्यू पे आएंगे तो हम लोग इस डायग्राम पे, इसी दो डायग्राम पे पूरे टिश्यू के कैरेक्टर को समझाने जा रहे हैं। तो बच्चा कैसा है, तो क्या बोलेंगे बेटो? बच्चा इज इमेच्योर। बच्चा कैसा है, तो बच्चा अभी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा इज डिवाइडिंग, है ना। इसका मतलब इट रिटेन पावर ऑफ डिविजन। और जब हम लोग इसके सेल की बात करते हैं, तो प्लांट सेल चुकी ये है, तो कहते हैं ये कैसा होता है, दे हैव सेल वॉल। सेल है तो सेल वॉल मिलेगा, चूंकि वी आर कंसर्न विद द प्लांट सेल। प्लांट सेल की प्रॉपर्टी होती है इट मस्ट कंटेन सेल वॉल, तो इसमें सेल वॉल दिख रहा है। अब हम लोग इसके कैरेक्टर के बारे में बताना शुरू करते हैं। ये आइसोडायमेट्रिकल होगा। आइसोडायमेट्रिकल शब्द का मीनिंग जानते हैं, आइसो मतलब होता है इक्वल, डायमेट्रिकल शब्द का मतलब हुआ डायमीटर। इसको ये समझ लो कि ये गोल एक चूड़ी है, और इस चूड़ी का तुम डायमीटर देखो, यहां जितना ठीक है और यहां भी उतना ही ठीक है। या एक बिल्कुल राउंडेड जलेबी, इस जलेबी में तुम्हारे यहां ये देखो, यहां पे जितना ठीक है यहां भी उतना ही ठीक है। ऐसे यूनिफॉर्म थिकनिंग वाले किसी भी राउंडेड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देंगे? आइसो मतलब इक्वल। आइसो शब्द का मतलब क्या होगा? इक्वल। डायमीटर वाइज मतलब चारों तरफ, डायमीटर वाइज ये कैसा होगा? इक्वल डायमीटर का होगा, टर्म हो जाएगा आइसो डायमेट्रिकल। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी हो गई, ये डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हाईली एक्टिव है। ये कैसा होगा? बहुत एक्टिव होगा। बच्चा डिवाइड कर रहा है मतलब बच्चा दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, बच्चा इज एक्टिव। और ऐसे सेल में नॉर्मली बिल्कुल साइटोप्लाज्म कैसा होगा? बहुत डेंस साइटोप्लाज्म दिखा रहे हैं, साइटोप्लाज्म डेंस होगा। और एक प्रोमिनेंट और लार्ज न्यूक्लियस मिलेगा। क्यों लार्ज न्यूक्लियस मिलेगा? क्योंकि न्यूक्लियस इज ए कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ए सेल। जब हम लोग सेल की बात करते हैं तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज ए कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ए सेल। और बच्चा बहुत एक्टिव है तो कंट्रोलिंग सेंटर भी उसका कैसा होगा? बहुत एक्टिव होगा, वहां पे लार्ज एक्टिविटी चल रही होगी, इसलिए कहते हैं देयर इज ए लार्ज न्यूक्लियस। और फिर हम लोग आते हैं, बच्चा छोटा से बड़ा हो रहा है, मतलब सेल कैसा होगा? फ्लेक्सिबल होगा, छोटा से बड़ा हो रहा है क्योंकि सेल डिवाइड कर रहा है, तो वॉल थिन होगा, हम लोग डिस्कस किए। लेकिन साथ साथ वॉल थिन होगा, वॉल को फ्लेक्सिबल भी होना है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा? ये ब्रेक कर जाएगा। चूंकि ये ग्रो कर रहा है, सो देयर इज अ नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। चूंकि ये ग्रो कर रहा है इसीलिए इसको कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, देयर इज अ नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और नॉर्मल कोर्स में वी आर टॉकिंग ऑफ प्लांट सेल, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? ये सेलुलोज का बना होगा। मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो ये भी हम लोग डिस्कस किए कि वॉल कैसा होगा? सेलुलोज का बना होगा। सेल का साइज कैसा होगा? तो कहेंगे दे आर ऑफ स्मॉल, स्मॉल साइज का होगा। अब हम लोग इसके शेप की बात करेंगे तो बोलेंगे ये मे बी राउंडेड, है ना, ये राउंडेड हो सकता है, या स्फेरिकल हो सकता है। कैसा हो सकता है? ये स्फेरिकल भी हो सकता है, राउंडेड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है। लेकिन जैसा भी होता है, दे ऑल आर ऑलमोस्ट अलाइक, सभी एक सा होता है। तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ व्हाट, हम लोग कह रहे हैं दिस इज द कैरेक्टर ऑफ ए मेरिस्टमेटिक टिश्यू। तो फिर से हम लोग इसको समअप करते हैं बच्चों, मेरिस्टमेटिक टिश्यू कैसा होगा? सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज लाइक ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की तरह है। कैसा होगा?
ये एक छोटे बच्चे की तरह है। एक बच्चा डिवाइडिंग स्टेट में है, वो छोटा है, अब बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाएगा। वो बड़ा कैसे होगा? डिवाइड करके होगा। इसका मतलब वो कैसा है? बहुत एक्टिव है। कैसा है वो? बहुत एक्टिव है। तो सेल बहुत एक्टिव है। तो हम लोग शुरू किए और इसको फाइनली समअप कर रहे हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो ही बोलेंगे तुम्हारे दिमाग में क्या आने चाहिए? मेरिस्मेटिक टिश्यू आर टिश्यू विच आर इन ए स्टेट ऑफ डिवीजन और दे रिटेन पावर ऑफ डिवीजन। या तो वो डिवाइड कर रहा है या उसके पास डिवीजन की कैपेसिटी है। नॉर्मली ये सेल्स अभी कैसा है? तो कहेंगे अभी ये इमेच्योर है। फिर क्या बोलेंगे? सेल शेप में कैसा होगा? ये राउंडेड हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, लेकिन जैसा भी होता है ऑल आर अलाइक एंड दे आर आइसोडायमेट्रिकल। ये कैसा है? आइसोडायमेट्रिकल है। चारों तरफ थिकनेस क्या है? तो हम लोग बताए कि एक जलेबी के बारे में सोचो, यूनिफॉर्म थिकनिंग का इसका राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा हो, चारों तरफ उस जलेबी की मोटाई बिल्कुल बराबर हो, तो हम लोग कह देंगे ये यूनिफॉर्म ठीक है। यहां जितना ठीक है यहां भी उतना ही ठीक है। फिर हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे? फिर हम लोग कह रहे थे ये सेल हाईली एक्टिव स्टेट में है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, इसीलिए कैसा है? ये एक्टिव स्टेट में है। फिर हम कह रहे थे ये शेप कैसा था और थिकनिंग कैसा बताए? तो बोले आइसोडायमेट्रिकल था। और साइटोप्लाज्म कैसा था? चूंकि ये सेल कैसा था? एक्टिव होगा तो इसमें साइटोप्लाज्म का कंटेंट प्रॉपर मिलेगा। तो इट इज इन ए कैसे स्टेट में है? साइटोप्लाज्म इज इन द डेंस स्टेट और एक प्रोमिनेंट और लार्ज न्यूक्लियस, बिकॉज इट इज द न्यूक्लियस विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ए सेल। ये न्यूक्लियस होता है जो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और सेल में अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पे आ रहे हैं। हम लोग कहते हैं वैक्यूल इज प्रेजेंट। तो पहले बच्चों समझो वैक्यूल क्यों और कहां मिलता है। हम लोग इसको रटते हैं? नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। वैक्यूल सेल के अंदर ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें सेल अपने वेस्ट प्रोडक्ट को डाल देता है। जैसे हम लोग अपने घर में क्या रखते हैं? एक डस्टबिन रख देते हैं। डस्टबिन में हम लोग क्या डालते हैं? जितना भी घर का वेस्ट होता है इसको डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक स्ट्रक्चर सेल के अंदर भी पाया जाता है। हम लोग इसको क्या कहते हैं? वैक्यूल। तो वैक्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड ए सेल बिकॉज इट रिटेन ऑल द वेस्ट मटेरियल। अब जरा सोचना शुरू करो, जो सेल मेरिस्मेटिक है, जो सेल मेरिस्मेटिक है, क्या ये अभी तो एक्टिव है? अभी ये बहुत बड़ा नहीं हुआ है, अभी ये इमैच्योर्ड है, अभी इसकी एक्टिविटी शुरू हुई है, अभी ये लाइफ इसकी शुरुआत हुई है। तो शुरुआती समय में ये बहुत वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बना पाया होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक काम करने की तो शुरुआत अब हुई है। एक लंबे समय तक जब ये लाइव रहेगा और ग्रो करेगा तब इसके लाइफ में कुछ क्या बनेगा? तब इसके लाइफ में वेस्ट प्रोडक्ट बन पाएगा। और वेस्ट प्रोडक्ट को रखने के लिए वैक्यूल की जरूरत होती है। इसीलिए क्या कहेंगे? एक मेरिस्टमेटिक टिश्यू में या तो वैक्यूल नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो कैसा मिलेगा? इट इज पुअरली प्रेजेंट। बहुत छोटा सा मिलेगा। क्यों? उसका रीजन कैसे एक्सप्लेन किए? क्योंकि एक मैच्योर्ड हम लोग सेल में, एक मैच्योर्ड सेल में जो परमानेंट हो गया हो वो काफी काम किया होगा, उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन चुका होगा। लेकिन जो सेल अभी बहुत एक्टिव है, मेरिस्टमेटिक है, इन स्टेट ऑफ डिवीजन है, अभी अभी तो ये काम करना शुरू ही किया है, इसके में बहुत ज्यादा क्या नहीं बना होगा? वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बना होगा। इसीलिए वैक्यूल या तो नहीं मिलेगा, जब वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो उसको रखने की जरूरत तो है ही नहीं, और जब रखने की जरूरत नहीं है तो सेल एक स्पेशल ऑर्गेन को, वैक्यूल्स को बना के बर्बाद नहीं करेगा। ये बनेगा, सेल में बनेगा, वैक्यूल्स आएगा, लेकिन कब आएगा? ये थोड़ी देर के बाद आएगा, थोड़े दिनों के बाद आएगा, जब सेल मैच्योर करेगा तब आएगा। तो हम लोग कहेंगे ये वैक्यूल पुअरली प्रेजेंट। और हम लोग क्या टर्म किए, यूज किए? या तो ये पुअरली प्रेजेंट है या ये बिल्कुल नहीं है। तो ये हम लोग कुछ कैरेक्टर देख रहे थे। अब हम लोग फिर कुछ और कैरेक्टर देखते हैं इसमें। अगर एक सेल किस स्टेट में है, तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर ये मेरिस्टमेटिक है तो इनमें और कौन कौन सा कैरेक्टर मिलेगा? अगर ये मेरिस्टमेटिक सेल है और प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड हम लोग किसको कहते हैं? तो प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है। लेकिन मेरिस्टमेटिक टिश्यू अगर है
तो इसमें क्या मिलेगा, प्रोप्लास्टिड स्टेट में मिलेगा, प्रोप्लास्टिड। अब इसको फिर हम लोग समझते हैं। तो पहला हम लोग कैरेक्टर क्या देखे, ये जो कैरेक्टर हम लोग बता रहे थे उसके अलावे ये हम लोग बता रहे हैं। अब ये इसके अंदर का प्लास्टिड, प्लास्टिड किसको बोलते हैं, तो पहले हम लोग यहां लिखते हैं क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये तीन टर्म हम लोग लिखते हैं प्लास्टिक को समझा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझो बेटा प्लास्टिड क्या होता है, ठीक है। तो प्लास्टिड हम लोग किसको कहते हैं पहले ये समझते हैं हम लोग। व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ प्लास्टिड, तो सबसे पहले दीज आर सर्टेन स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गेनेल विच आर आइदर मेंट फॉर प्रोडक्शन और सिंथेसिस ऑफ फूड, समटाइम्स दे मे स्टोर फूड एंड समटाइम्स दे शो कलर और दे रिटेन कलर। तो इसके बेसिस पे प्लास्टिड को हम लोग डिफाइन किए। प्लास्टिक कैसी चीज हो गई, प्लास्टिड एक ऑर्गेनेल है जो अगर ग्रीन कलर का होता है तो इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, अगर वो कलरफुल होता है तो इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और अगर ये कोई कलर रिटेन नहीं कर रहा है बल्कि कुछ फूड मटेरियल को स्टोर कर रहा होता है तब इसका नाम रखते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। ये जो क्लोरोप्लास्ट है बेसिकली पत्ते में पाया जाता है, या हम लोग कहते हैं कोई भी वो पोर्शन प्लांट का विच आर ग्रीन इन कलर। तो नॉर्मली क्या हम लोग देखते हैं, एक प्लांट का एरियल पोर्शन जो ऊपर में पोर्शन है वो ग्रीन इन कलर है। कौन सा पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन। तो ऊपर के पोर्शन को हम लोग कहते हैं, नीचे के पोर्शन का नाम देते हैं रूट, और ऊपर के पोर्शन को हम लोग एक टर्म यूज करते हैं शूट। तो क्या कहते हैं हम लोग, शूट का पोर्शन ऑल्सो कंटेन स्टेम एंड लीफ। अब शूट में क्या मिलेगा, स्टेम मिलेगा और फिर क्या मिलेगा, लीफ मिलेगा। नॉर्मली सबसे ज्यादा ग्रीन पोर्शन कौन है, तो क्या कहेंगे हम लोग, इट इज लीफ विच आर मोस्टली ग्रीन इन कलर, दो समटाइम्स स्टेम्स और टेंडर स्टेम और यंग स्टेम्स आर ऑल्सो ग्रीन इन नेचर। हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी देखते होगे तुम लोग हरा रंग का स्टेम दिख रहा है शुरू में, बाद में वो बड़ा हो गया, मेच्योर्ड हो गया और ब्राउन हो गया। तो जहां भी ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है तो कहां कहां दिखता है हम लोगों को, हम लोगों को ग्रीन कलर का पोर्शन ज्यादातर लीफ में दिख रहा होता है। तो लीफ के केस में हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, कहेंगे लीव्स आर ग्रीन इन कलर, मीनिंग बाय दे आर कैरिंग क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है। तो ये अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, जिस टिश्यू की बात कर रहे थे वो कौन सा था, मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या कहेंगे, अभी क्लोरोप्लास्ट पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि टिश्यू खुद ही डेवलप नहीं हुआ, टिश्यू खुद ही बच्चा है, ये तो अभी ग्रो करना शुरू किया है। इसीलिए जब ये पूरी तरह से ग्रो नहीं किया है तो टर्म लगा देते हैं प्रो। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, मतलब अभी ये पूरी तरह से ग्रो नहीं किया है, तो टर्म हो गया प्रोप्लास्टिड। अब समझ गए, अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग क्या कहेंगे, मेरिस्मेटिक टिश्यू कंटेन प्लास्टिड बट इन विच स्टेट, तो कहेंगे इन प्रोप्लास्टिड स्टेट। अभी ये प्लास्टिड भी पूरी तरह से क्या नहीं हुआ है, डेवलप नहीं किया है। फिर हम लोग आते हैं आपस में ये कैसा है, तो कहते हैं जब ये अरेंज हो रहा होता है, जिस समय ये अरेंज होगा तो ये कैसा दिखाई देगा। तो हम लोग इसके अरेंजमेंट को एक बार दिखाते हैं और फिर दो और कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं हम लोग। जब ये अरेंज हो रहा है तो एक के इस तरह से ये अरेंज हो रहा है कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रह रहा है। क्या टर्म यूज किए हम लोग कह रहे हैं कि जब ये अरेंज हो रहा है तो ये इस तरह से अरेंज हो रहा है ताकि इनके बीच में क्या नहीं मिले, इंटरसेलुलर स्पेस। तो हम लोग क्या टर्म यूज किए कि देयर इज नो इंटर सेलुलर स्पेस। अब फिर इसको समझते हैं हम लोग, जब हम लोग इंटर सेलुलर स्पेस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है,
इंटर शब्द का मतलब होता है इन बिटवीन, बीच में। ये देखो दो सेल है और ये तीन और एक चार सेल है, इसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है, किसके बीच में, सेल के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, इसी को कहते हैं इंटर, मतलब बीच में। किसके बीच में, तो टर्म क्या लिखा हुआ देखो, सेलुलर, सेल के बीच में। कैस क्या चीज है, स्पेस है, तो टर्म क्या हो गया, इंटर सेलुलर स्पेस। कोई चीज रट्टा नहीं है, बिल्कुल समझना, इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में, टर्म क्या है, सेलुलर, सेल के बीच में क्या दिख रहा है, स्पेस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेरिस्टमेटिक टिश्यू में कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज। अब देखो ये एक के ऊपर एक रख दिए, बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दिए, कोई स्पेस इसमें रहने की संभावना नहीं है। तो जब ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है तो ये इस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाता है कि इसके बीच में स्पेस नहीं दिख रहा होता है, हम लोग कहेंगे दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज। क्या टर्म यूज किए इसको, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज। ये समझ में आ गया। तो फाइनली हम लोग अब समअप करते हैं बच्चों, मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में क्या क्या सीखे हम लोग। पहले तो हम लोग टर्म सीखे, मेरिस्टमेटिक शब्द का मतलब सीखे डिवाइडिंग। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, दे आर डिवाइडिंग सेल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, आइदर दे आर डिवाइडिंग और दे रिटेन पावर ऑफ डिविजन। या तो वो डिवाइड कर रहा है और नहीं तो उसमें क्या दिख रहा है, पावर ऑफ डिविजन है। हो सकता है जिस समय हम देख रहे हैं उस समय ये डिवाइड नहीं कर रहा हो, जिस समय कोई एक टाइम होगा कि वो डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन वो थोड़े देर के बाद डिवाइड करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, डिविजन की कैपेसिटी है। इसलिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो दो टर्म आता है, आइदर तुम्हारा ऑप्शन होगा दे आर डिवाइडिंग सेल, और दूसरा ऑप्शन होगा दे रिटेन पावर ऑफ डिविजन। ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो जब दोनों ऑप्शन होगा तो तुमको थर्ड ऑप्शन देखना है, मे बी बोथ ऑफ देम। तब आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सेल्स आर आइदर डिवाइडिंग, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दे रिटेन पावर ऑफ डिविजन, और एक ऑप्शन दिया हुआ मोर देन वन, तो देन योर आंसर विल बी मोर देन वन। तो इन बातों को ध्यान देना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस में जो मिस्टेक हो सकते हैं ना, वो ऐसे ही मिस्टेक होते हैं। तुमको याद है मेरिस्टमेटिक टिश्यू तुम्हारे दिमाग में अपसेट हो गया, ये कैसा है, डिवाइडिंग है, और जैसे ही ये क्वेश्चन आया तुमने पहले ऑप्शन पे टिक कर दिया, चौथे ऑप्शन को ध्यान से नहीं देखा जहां लिखा हुआ था दे आर आइदर डिवाइडिंग और रिटेन पावर ऑफ डिविजन। तो हमको किस बात पे कॉन्सेंट्रेट करना है, हमको इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करना है, जब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को टच करेंगे तो एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, और मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में फोर्थ आंसर ज्यादा हम करेक्ट आंसर होता है। अगर तुमको फर्स्ट वाले में आंसर दिखे, जैसे लिखा हुआ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू, और लिखा हुआ था द कैरेक्टर ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू, और आंसर दिया हुआ था पहला ऑप्शन डिवाइडिंग सेल, देखते ही तुम खुश हो गए, अरे सर ये तो आंसर मिल गया, पहले ही ऑप्शन में हमको डिवाइडिंग सेल मिला और हमने इसको टिक कर दिया। लेकिन अगर पहले आंसर में, पहला क्वेश्चन के पहला आंसर जो हो वो करेक्ट लगे तो समझ जाना ये खतरा है। पहले में अगर सही लगे तो क्या समझना, ये खतरा है। तो तुरंत तुम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ को ऑनेस्टली और अच्छे से पढ़ना, तब क्या होगा, तब तुमसे कभी ऐसी गलती नहीं होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में फोर्थ आंसर इज द बेस्ट आंसर, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर, बट फोर्थ इज द बेस्ट करेक्ट आंसर, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है। पहला प्रश्न बहुत अच्छा और चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर, पहला भी सही है ना, जहां लिखा हुआ इट इज अ डिवाइडिंग सेल, ये सही है, लेकिन दूसरा क्या लिखा हुआ है, नॉन डिवाइडिंग सेल, तीसरा कुछ और ऑप्शन दिया हुआ, चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ, इट इज डिवाइडिंग एज वेल एज इट रिटेन पावर ऑफ डिविजन, और या तो डिवाइड कर रहा है, इट इज डिवाइडिंग और रिटेन पावर ऑफ डिविजन। तो करेक्ट आंसर कौन होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा पावर ऑफ डिविजन एज वेल एज डिवाइडिंग सेल। तो जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं इन छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देना है। अब एक टर्म आता है इट डज नॉट कंटेन इरगास्टिक, अभी हम लोग मेरिस्टमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, इट डज नॉट कंटेन है ना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इरगास्टिक मटेरियल, इरगास्टिक मटेरियल। अब इस पॉइंट को समझाते हैं तो हमारा मेरिस्टमेटिक टिश्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव का साइन दे दिया, मतलब ये नहीं है। तो पहले तो इस वर्ड को समझे, वॉट इज इरगास्टिक मटेरियल, तो हम लोग इसको समझते हैं। इरगास्टिक मटेरियल का मतलब होता है व्हेन ए सेल इज डूइंग इट्स ओन एक्टिविटी, सेल जब अपना काम कर रहा होता है, अपने काम के दौरान
जो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं इरगास्टिक बॉडी। किसको बोले इरगास्टिक बॉडी? फिर से बोलो, तुम लोग भी सोचो, फिर रिटेन करो बातों को। किसको बोले? कहे क्या कि एक सेल जब काम कर रहा होता है तो पूरे काम करने के का जो पीरियड होता है उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। इसी वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग नाम देते हैं इरगास्टिक बॉडी। जैसे हम लोग काम कर रहे होते हैं और स्वेटिंग हो रही होती है, पसीना निकल रहा होता, तो पसीना निकलना क्या हो गया? अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये बोलेंगे इट इज अ काइंड ऑफ इरगास्टिक बॉडी। ठीक उसी तरह से जब सेल अपना काम कर रहा है तो सेल के बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता होगा उसको कहते हैं इरगास्टिक बॉडी। अब हम लोग फिर इसको समझो, मेरिस्टमेटिक सेल तो डिवाइडिंग सेल है, ये इमेच्योर्ड है, ये तो अभी तक अपने पूरे शेप को भी रिटेन नहीं कर पाया है। कैसे? फिर इस बात पे आ जाओ, इस छोटे वाले डायग्राम पे। मेरिस्टमेटिक सेल बच्चा है, बच्चे का शेप फिक्स नहीं है। क्यों? 5 साल का बच्चा है, तुम एक फोटोग्राफ ले लो, 5 साल के बाद फिर उस बच्चे का फोटोग्राफ लो तो देखो तो शेप में चेंजेस आ गया, बिल्कुल आ गया। छोटा सा बच्चा था, बड़ा हो गया। फिर 5 साल के बाद जो बच्चा 15 साल का हो गया, अब फिर इसका शेप थोड़ा और बढ़ गया, अब उसको हल्की हल्की मूछें आ गई। तो मेरिस्टमेटिक सेल क्या हो रहा है? इट डज नॉट कंटेन ए फिक्स शेप। अभी इसके पास शेप जो है वो फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि शेप चेंज कर रहा है। लेकिन जब इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? परमानेंट टिश्यू से। परमानेंट टिश्यू कौन है? इस बच्चे के दादाजी हैं। तो ए परमानेंट टिश्यू ऑलवेज रिटेन ए फिक्स शेप और नाउ दे हैव लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन। परमानेंट टिश्यू को हम लोग क्या बता रहे हैं कि अब ये क्या कर चुका है, पावर ऑफ डिवीजन अब इसके पास नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा वो कौन सा होगा? परमानेंट टिश्यू। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लो हम लोग क्या क्या डिस्कस किए। पहला पॉइंट डिस्कस किए फादर ऑफ एनाटॉमी और हम फादर ऑफ एनाटॉमी। सेकेंड टर्म हम लोग यूज किए हु इज इंडियन फादर ऑफ एनाटॉमी। तो टर्म्स हम लोग क्या क्या बताए? नेहमन ग्रीव फादर ऑफ एनाटॉमी। इंडियन फादर के बारे में क्या बताया हम लोग? इट वॉज के ए चौधरी हु इज कॉल्ड इंडियन फादर ऑफ एनाटॉमी। सेकेंड टर्म क्या बताया? टिश्यू, हु क्वाइंड द टर्म टिश्यू। तो टेक्निक क्या बताया? टिश्यू ग्रो और ग्रो का पास्ट टेंस ग्रीव, इसलिए नाम याद हो गया, साइंटिस्ट का नाम नेहमन ग्रीव। नेहमन ग्रीव क्या हो गए? फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एज वेल एज द साइंटिस्ट हु क्वाइंड द टर्म टिश्यू। थर्ड टर्म लोग क्या बताए? टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, लेकिन उसके पहले डेफिनेशन बताए, ग्रुप ऑफ क्या क्या बताया, हाथ की मुट्ठी बताए थे निकाल के, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल और डिसिमिलर सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन कॉन्स्टिट्यूटेड टिश्यू। तो ये टिश्यू का डेफिनेशन हो गया। फिर टिश्यू को हम लोग नागेली नामक साइंटिस्ट क्या किए, इसको दो पार्ट में डिवाइड किए। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किए? पहला पॉइंट का नाम रखा है मेरिस्टमेटिक टिश्यू और दूसरे का नाम रखे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कशन शुरू किए और कहे मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज ए टिश्यू विच रिटेन पावर ऑफ डिवीजन और दे आर डिवाइडिंग सेल। सेकेंड पॉइंट क्या बताया? दे आर इन स्टेट ऑफ डिवीजन और डिवाइडिंग सेल मीनिंग बाय दे कंटेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। ये डिवाइड करेगा, बार बार डिवाइड करेगा, क्योंकि ये डिवाइड करेगा इसलिए ये ग्रो करेगा। इसका मतलब अभी ये क्या है? अभी ये इमेच्योर्ड है। सो इट कंसिस्ट ऑफ इमेच्योर्ड सेल। ये कैसा है? इमेच्योर्ड सेल का बना हुआ है। चूंकि ये ग्रो करना, डिवाइड करना शुरू किया, इसलिए धीरे धीरे इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब इसका शेप फिक्स नहीं हो सकता है। सो शेप ऑफ हम लोग क्या बोल देंगे? मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज नॉट फिक्स्ड। ये तीसरी पॉइंट हो गई। फिर हम लोग क्या देखेंगे? वाल। जो सेल ग्रो करेगा, वाल सोचो जरा सा, ये अगर पतला नहीं हो तो ये इजिली ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर बहुत थिक वाल होता तो ग्रो करने के समय टूट जाता, इसीलिए वाल कैसा होगा? थिन होगा। और प्लांट सेल में नॉर्मली वॉल किस मटेरियल का बना होता है? हम लोग जानते हैं इसको, और क्या कहते हैं? वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का बना होता है। और वॉल दो तरह का होता है, एक को कहते हैं प्राइमरी वॉल, कभी कभी उसके ऊपर एक और वॉल का डिपोजिशन होता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी वॉल, और कुछ केसों में तो टर्शरी वॉल, एक और वॉल का लेयर आ जाता है, उसको कहते हैं टर्शरी वॉल। तो ऐसे केस में जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू, उसमें क्या होगा? उसमें सिर्फ प्राइमरी वॉल ही मिलेगा, सेकेंडरी वॉल के डिपोजिशन से वो ठीक हो जाएगा, और अगर वो ठीक हो जाएगा तो वो डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन करने में मान लो ये दिखा रहे हैं, अगर इसके नीचे ऐसे हम लोग क्या दिखा दें, सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन हो गया तो कैसा हो गया? देखो तो डायग्राम में, ये बहुत मोटा हो गया, ठीक हो गया।
अगर ये ठीक हो जाएगा तो ये इजीली डिवाइड करेगा, कभी नहीं करेगा। इसीलिए वॉल कैसा होगा, हमेशा थिन वॉल है, तो वॉल इज ऑलवेज थिन। क्यों है ये समझ में आ गया ना, रटने की जरूरत नहीं है। क्यों है थिन, क्योंकि इसको डिवाइड करना, अगर ठीक हो जाता तो क्या प्रॉब्लम होती, तब ये इजीली डिवाइड नहीं कर पाता, इजीली ग्रो नहीं कर पाता। इसीलिए वॉल कैसा है, थिन है। और सेल कैसा है, तो हम लोग क्या कह दिए, इट इज इन अ हाईली एक्टिव स्टेट, एक्टिव स्टेट में है। एक्टिव स्टेट में है इसका मतलब क्या है, इसमें काफी अमाउंट में साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी दिख रहा है, तो हम लोग कहेंगे लार्ज कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस को भी मिलना है। और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसलिए मिल रहा है क्योंकि न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग सेंटर, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है पूरी एक्टिविटी को, तो इट इज ए कंट्रोलिंग सेंटर। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, ये देखे इमेच्योर सेल था, प्राइमरी सेल वॉल मिल रहा था। अगर प्रोब, अगर प्लास्टिड की बात करें तो बताओ किस कैसा मिलेगा ये, तो क्या आंसर देंगे हम लोग, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्रोप्लास्टिड स्टेट। तो हम लोग जो कैरेक्टर देखे उनको हम लोग सारे को समअप किए, और एक हम लोग टॉपिक अभी देखे और वो था मेरिस्टमेटिक टिश्यू। अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है परमानेंट टिश्यू, ठीक है।